हेलो दोस्तों दोस्तों मैं हूं आयुष सर मैं आयुष स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का एक और, और फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड पैरट्स में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आप बजीज़ पैरट से कब ब्रीड ले सकते हैं बजीज़ पैरट से ब्रीड लेने का सही समय कौन सा होता है काफ़ी सारे भाई लोग मेरे पास कॉमेंट करते हैं कि भाई मैंने बजीज पैरट खरीद ली है बजीज पैरट से हम कब ब्रीड लें और कौन सा ठीक समय होता है बजीज़ पैरट से ब्रीड लेने का तो दोस्तों आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं और दोस्तों आज के टॉपिक में मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि आप बजीज़ पैरेट से कब ब्रीड लें और कैसे ब्रीड लें उससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड पैरट्स को सब्सक्राइब ना किया तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करिए बेलाइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो भी वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले तो दोस्तों जो बजीज़ पैरेट से ब्रीड लेने का सही समय होता है वो होता है अगस्त का दोस्तों अगस्त में होता है क्या है कि दोस्तों हमारे यहाँ बरसातें शुरू हो जाती हैं और दोस्तों टेम्परेचर नीचे की ओर जाने लगता है तो दोस्तों जब टेम्परेचर नीचे की ओर जाने लगता है तो दोस्तों बहुत अच्छा समय होता है उस समय ब्रीड लेने का दोस्तों आप काफ़ी सारे भाई लोग ये सोच रहे होंगे कि दोस्तों कि आप लोग ब्रीड कैसे ले सकते हैं या फिर आप बजीज पैरेट को पालना स्टार्ट करते हैं तो उनसे कब ब्रीड ले सकते हैं मेरे पास एक भाई का मैसेज आया था बोला उनने कि 25 दिन लाए हुए हो गया बजीज पैरेट को लेकिन वो अभी तक ब्रीड नहीं कर रहे हैं दोस्तों मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि इतनी हल्दी बजीज पैरेट ब्रीड नहीं करता है कम से कम बीस से पच्चीस दिन तो बजीज पैरेट को आपके यहाँ पे सेट होने में लगते हैं और दोस्तों जब हम मार्केट से बजीज पैरेट को परचेज़ करके लेकर के आते हैं दोस्तों जो उनकी एज होती है उस समय होती है कम से कम दो महीने तो दोस्तों दो महीने की एज में कोई भी बजीज़ पैरेट ब्रीड नहीं करता है आप इस बात का ख्याल रखें दो महीने की एज में जो बजीज पैरेट होता है यंग होता है बजीज पैरेड ब्रीड करता है पाँच से सात महीने की एज में यानी कि जब वो पाँच महीने की एज से बड़ा हो जाएगा तब वो आपके यहाँ पे ब्रीड करेगा उससे पहले वो आपके यहाँ पे ब्रीड नहीं करेगा तो दोस्तों अगर आप नए शौकीन हैं और अगर आप बजीज़ पैरेट से ब्रीड लेना चाहते हैं तो दोस्तों ये जो मई जून का समय है इस समय आप बजीज पैरेट परचेज करके ला सकते हैं दोस्तों इस समय आपको बहुत अच्छे रेट में कम रेट में बजीज पैरेट मिल जाएंगे और आप कहीं से भी ज़्यादा क्वान्टी में पे बजीज पैरेट खरीद सकते हैं दोस्तों अगर आप बजीज पैरेट का स्टॉक शुरू करना चाहते हैं तो कम से कम पाँच पेयर बजीज पैरेट से शौक अपना स्टार्ट करें क्योंकि दोस्तों पाँच पेयर बजीज पैरेट से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों आपके यहाँ पर ब्रीड बहुत जल्दी

के पट्टे होंगे वो चार साढ़े चार महीने के हो जाएंगे मिडिल अगस्त में या अगस्त के लास्ट में दोस्तों आप अपने बजी के पट्टों को मटकी दे देना आप मटकी दे देंगे तो वो वो ब्रीडिंग के लायक हो जाएंगे और दोस्तों वो अपनी तब तक पेयरिंग भी लगा चुके होंगे सबका पेयर लग चुका होगा तो दोस्तों फिर जैसे ही आप मटके देंगे वैसे ही वो कुछ दिनों में मटकियां सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद दोस्तों मटकी सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों फिर वो मीटिंग वगैरह करेंगे और दोस्तों फिर आपके यहाँ पे जल्द ही ब्रीड हो जाएगी तो दोस्तों ये शेड्यूल चलता है ब्रीड का लेकिन काफी सारे भाई लोग करते क्या है कि वो मार्केट से आज बजीज पैरेट परचेस करके लेके आए हैं और दोस्तों आज ही उन्हें मटकी दे दी आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है अब काफ़ी सारे भाई लोग ये बोलते हैं कि मार्केट में जिनसे हमने बजीस पैरेट को परचेस किया उन्होंने बोला कि घर पर जाके मटकी लगा देना और दोस्तों तुरंत ब्रीड हो जाएगी तो दोस्तों बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है मार्केट में जो शॉपकीपर होते हैं पेट शॉप वाले होते हैं वो सिर्फ अपने बजीस पैरेट को बेचने के लिए है। ही ऐसा बोलते हैं कि आपके यहाँ पे जाते ही ब्रीड हो जाएगी ताकि उनका बजीज पेट आप लालच में ले लो और तुरंत जाके मटकी लगा दो अगर आप तुरंत मटकी लगाते तो उससे कोई भी बेनिफिट नहीं होता आपका बर्ड ब्रीड तुरंत तो नहीं करेगा अगर दोस्तों आप ब्रीडिंग पेयर भी किससे परचेस करके लेके आते हो तो दोस्तों ब्रीडिंग पेयर को भी सेट होने में दस से पंद्रह दिन लगते हैं उसके बाद ही ब्रीडिंग पेयर ब्रीड करता है तो दोस्तों बजीज पैरेट के पट्टे कम से कम आपके यहाँ पे तीन से चार महीने के अंदर अंदर ब्रीड करेंगे उससे पहले दोस्तों वो आपके यहाँ पे ब्रीड नहीं करेंगे और दोस्तों आपको एक बात का ख्याल रखना है कि आपको अपने केज का साइज़ बड़ा बनवाना है और दोस्तों जो बजीज़ पैरेट है वो कम से कम पाँच पेयर की क्वान्टिटी में लेने हैं तब आपके यहाँ पर जल्दी और अच्छे से ब्रीड होगी तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड पैरेट्स को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली जो भी वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक लिए बाय बाय थैंक यू फॉर वॉचिंग